हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मुझसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे थे कि जब आपने लाइफ में अपने वेट लॉस करने के बारे में सोचा तो ड्रिंक तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मेरी लाइफ का फर्स्ट ड्रिंक ऐसा कौन सा था जिससे मैंने वेट लॉस किया, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट था जिससे मैंने वेट लॉस किया। लेकिन अब बात आती है कि मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट डाइट प्लान ऐसा क्या यूज़ किया जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस किया था। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, कोई भी हाई फाई डाइट प्लान मैंने नहीं जो है फॉलो किया था। बहुत ही, इसे नहीं बोलते हैं कि बहुत ही सस्ता सा घरेलू वाला डाइट प्लान मैंने किया था। और मैंने जो मैं आपको कुछ भी ऐसा यहाँ पे जो है वो फेक नहीं बताऊँगी, एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो सच में इफ़ेक्टिव है और अगर आप भी करेंगे तो सच में ये इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो मैंने जो फर्स्ट स्टार्ट किया था और मैंने जो वेट लॉस करने के बारे में सोचा था वो फर्स्ट मैंने लखनऊ, जब मैं लखनऊ में थी और मैंने वेट लॉस का सोचा था आई थिंक 2013 की जनवरी में मैंने वेट लॉस करने का, यानी 1 जनवरी को मैंने ये प्रण लिया था कि मैं वेट लॉस करूँगी और उस टाइम मैंने सोचा था। तो मैंने उस समय कोई भी डाइट प्लान नहीं सोचा था, जस्ट मैंने जो है मॉर्निंग में जो मैं 3 चार कप चाय पीती थी मैंने उसे स्किप कर दिया, केवल 1 कप चाय पी। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, रास्ते में एक पड़ता था पाइनएप्पल जूस वाला। मैं इसलिए आपको ये पूरी कहानी बता रही हूँ कि जिनके साथ भी प्रॉब्लम है कि वो जो है ऑफिस गोइंग है या कुछ भी है, तो मैं पूरा आपको बता रही हूँ। मैं अभी घर पे रहने वालों के लिए बताऊँगी कि जब मैं घर पे रहती थी तब मैंने क्या किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाइनएप्पल जूस लेना स्टार्ट किया मॉर्निंग में बड़ा ग्लास, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाती थी। देन उसके बाद मैं वहाँ पे जैसे कुछ भी मैं लंच लेके नहीं जाती थी, थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगता था लंच लेके जाना। मैं वहाँ पे फ्रूट चाट या फिर कुछ भी लो कैलोरी मुझे जो भी दिखता था मार्केट में मैं वो मंगवाती थी और खाती थी। देन जब मैं लौट के आती थी तो मेरा शाम को हमेशा से रहा है 1 कप चाय लेती थी, तब मैं ग्रीन टी नहीं पीती थी और उस समय मैंने जो है वो ग्रीन कॉफ़ी लेना भी नहीं स्टार्ट किया था। सो मैंने उस समय शाम को मखाने एंड चाय लेती थी, फिर रात में मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती थी, जस्ट उसे ऐसे ही खर्च छोड़ देती थी। ये मेरा 3 से 4 महीने तक चला था। और उसके बाद उस समय मेरा जो वेट था वो 68 था और मैंने जो कोशिश, उस समय जो मेरा वेट घटा था वो 4 kg घटा था इस तरीके से, यानी कुछ भी ना करके मेरा 4 kg वेट चला गया। लेकिन उसके बाद मेरा जो वेट घटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग में आधे घंटे वॉक करने लगी, वॉक करके मैं देन उसके बाद ये रूटीन फॉलो करने लगी। तो इस तरह से मेरा फिर थोड़ा सा वेट और कम हुआ। फिर उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है उनका ट्रांसफ़र पुणे हो गया, मैं पुणे शिफ्ट हो गई। देन अब बारी आती है कि मैंने प्रॉपर डाइट प्लान स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे लॉट्स ऑफ टाइम होता था, मैंने ऑफिस भी नहीं ज्वाइन किया था। तो मैंने वहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में स्प्राउट खाना स्टार्ट किया। स्प्राउट्स को बहुत टेस्टी उससे बनाती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप स्प्राउट्स को भी किस तरह से बहुत अच्छे से बना के खा सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने स्प्राउट्स लेना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैंने ग्रीन कॉफ़ी ली थी और जो एक मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग ड्रिंक शेयर किया था कि लेमन, देन उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च मैं उसके साथ लेती थी। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन पे आपको शो हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक कैसे लेना स्टार्ट किया था। थोड़ा सा शहद लिया था और वो क्या उसको बोलते हैं, दालचीनी पाउडर, ये मेरा फर्स्ट मॉर्निंग का ड्रिंक था जो मैंने लेना स्टार्ट किया था। लॉट्स ऑफ वाटर लेती थी, नॉर्मल वाटर लेती थी, गरम वरम नहीं लेती थी, 8 ग्लास पानी पीती थी नॉर्मल। उसके बाद दोपहर में मैं 2 रोटी लेती थी, बहुत थोड़ी सी दाल लेती थी, थोड़ी सी सब्जी लेती थी, यानी दाल और सब्जी की क्वान्टिटी बहुत कम कर दिया था मैंने और 2 रोटी लेती थी। उसके बाद इवनिंग में जब मेरा थोड़ा सा मन होता था कि मैं क्या लूँ तो मैं फिर थोड़ा सा नमकीन, यानी कि जिसे दाल मूट बोलते हैं हमारे यूपी में, बाहर महाराष्ट्र में परसाड़ बोलते हैं, तो जो क्रेविंग थी वो मैं थोड़ी सी जो परसाड़ या फिर नमकीन या कुछ भी जो आप बोलते हो और चाय 1 कप ये लेती थी। रात में मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे स्पेसिफिक लेना ही लेना है, मैं रात में खाना बहुत कम खाती थी, पहले भी अगर खाती भी थी तो 1 रोटी बहुत ज़्यादा खा लेती थी। ये मैंने काफ़ी दिन तक किया, वेट काफ़ी अच्छा गया, फैट भी बर्न हुआ, यानी बॉडी का जो फैट था वो गया। उसके बाद यहाँ तक मेरा बिल्कुल प्रॉपर सही था। उसके बाद मैंने जब बेबी मेरा डिलीवर हुआ उसके बाद लॉट्स ऑफ वेट गेन हो गया, और आपने पिक्स भी देखी होंगी, अगर वो अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, लॉट्स ऑफ वेट गेन हो गया, फैट बॉडी में बहुत ज़्यादा जम गया था।
उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा डाइट प्लान लेना पड़ा। इवन मैं, जो आप मानेंगे नहीं, मैं दिन में कोशिश करती कि थी कि 100 कैलोरी से ज़्यादा ऊपर ना खाऊं। इसके लिए मैं बटर मिल्क लेती थी, बहुत लॉट्स ऑफ कुम्बर खाती थी, स्प्राउट्स खाती थी, और इस तरह का डाइट प्लान मैंने फॉलो किया। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि किसी तरह का भी कोई भी क्रैश डाइट मत करिए। ये जो मैंने नॉर्मल बताया है इस तरह से आप करिए। क्रैश डाइट के लिए मैंने कुकुम्बर डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। 3 दिन करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक 3 दिन करिए, लॉट्स ऑफ वेट जाएगा, बॉडी का फैट जाएगा, तो वो भी आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सुगम सनशाइन करके। वहाँ पे मैं हर पर्सन, देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्रॉपर, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन मैं डाइट प्लान अलग देती हूँ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपने इसको ये बताया वो बताया। तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको डाइट प्लान आपके मेडिकल इशू के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के लिए ड्रिंक शेयर करूंगी। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक मेरा नया चैनल है सुगम ब्लॉग्स करके, उस पर भी अब मैंने जो है पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है। डेली आप लोगों को हेयर केयर, ब्यूटी टिप्स एंड माई प्लान है वो रेडी कर लिया है, तो उस पर भी आपको बहुत जल्दी रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। तो नहीं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैंने क्रैश डाइट करके फॉलो किया है उसमें बहुत ज़्यादा मैंने स्प्राउट्स लिया है दोपहर में। इवन मैं सिर्फ बटर मिल्क और क्या बोलते हैं उसको, कुकुम्बर लेके रह जाती थी इवनिंग में। अगेन मैं मखाने लेती थी, रात में मैं पपाया खाती थी। तो इस तरह से करके मैंने लॉट्स ऑफ वेट जो है अपना कम किया है, और बहुत कोशिश करती थी कि 100 कैलोरी से ऊपर ना लें, और मेरा वेट बढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली आप लोगों को बोला है मैं वॉक करती थी। हाफ आवर से वॉक करना स्टार्ट किया, 1 घंटा किया और 1.5 घंटे तक मैंने वॉक ली है। स्किन का टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट बहुत अच्छे करते हो। मैंने स्पाइसेस अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल दिए हैं, और मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे मन नहीं करता है जंक फूड खाने का, कुछ भी मुझे भी मन करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर मंथ में 2 से 3 बार खाऊँ। यानी कि जैसे आप बना लीजिए कि आप 10 दिन तक पूरा डाइट प्लान फॉलो करोगे, 11वें दिन आप खा लोगे, आप 1 हफ्ते करोगे, आप नहीं ज़्यादा कर सकते, आप 1 हफ्ते डाइट प्लान फॉलो करोगे, 1 दिन आप अपना रेस्ट दोगे बॉडी को। तो इस तरह से आप करिए, मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं 365 दे के साल के 365 डाइट ही करती हूँ। 365 दे में से मैं, हो सकता है मैं 65 दिन जंक फूड खाती हूँ या फिर 10 दिन जंक फूड खाती हूँ, लेकिन उस जंक फूड को भी मैं किस तरह से अपनी बॉडी में मेल्ट करती हूँ, उसके लिए बहुत सारे ड्रिंक्स मैंने आप लोगों के साथ बताए हुए हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि बॉडी में बिल्कुल भी गंदगी ना रहने दीजिए। जैसे ही आप जंक फूड खा के आते हैं नेक्स्ट डे कौन सा ड्रिंक पीना है उसका भी वीडियो मैंने आपको बताया है, किस तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइन करें, मैं कौन सी ग्रीन कॉफ़ी ली है, मैंने कौन सा क्या किया, सारे वीडियोज आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। और यहाँ पे जो आके आप लोग अफवाहें फैलाते हैं, प्लीज़ अफवाहें फैलाना बंद कीजिए कि मैंने 3 दिन में 30 किलो वजन कम किया, 1 महीने में 100 किलो वजन कम किया। तो ये सारी अफवाहें यहाँ पे आके बनाना बंद करिए, और ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।